मोहतरम्स गेट टू हर घर के हंसाने का सहारा कपल हमारा लेकर आ रहे हैं ऐसी स्टोरी जो कि पहले नहीं दिखाई गई। सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है सर। फाइनली ज़गैटो का रिलीज होने का टाइम आ गया है, इसलिए हमें मिला ज़गैटो का ऑफिशियल ट्रेलर। इसका एक ट्रेलर पहले भी रिलीज हुआ था, तब इसकी रिलीज डेट नहीं आई थी। ज़गैटो की डायरेक्टर नंदिता दास फायर अर्थ और पिता जैसी मूवीज में टॉप क्लास एक्टिंग के लिए जानी जाती है, और इसके अलावा वो मंटू की डायरेक्टर और काफी अच्छी मूवीज की डायरेक्टर भी रही है। और अब ज़गैटो जो नंदिता दास ने लिखी भी है और डायरेक्ट भी कर रही हैं, और तो और वो थर्ड प्रोड्यूसर भी हैं। ज़गैटो के मेन लीड में है कपिल शर्मा उर्फ मानस, उनकी वाइफ बनी है सुहाना गोस्वामी उर्फ प्रतिमा, और स्पोर्टिंग कास्ट में है सुहानी गुप्ता जो कि ज़गैटो ओरिजिनल हेड का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इस फिल्म का नाम ज़गैटो कैसे पड़ा वो तो समझ आ चुका है, और साथ में इस मूवी का कंसेप्ट भी। तो कहानी है एक डिलीवरी वाले के अप्स एंड डाउन्स की। वैसे तो जनाब ट्रेलर देख के अप्स कहीं नजर नहीं आ रहे, बट होप फॉर द बेस्ट। तो कहानी शुरू होती है कपिल शर्मा के ज़गैटो डिलीवरी मैन बनने से, जिसकी पेंडेमिक की वजह से पिछली जॉब चली जाती है। अरे पापा अगर कस्टमर के साथ आप सेल्फी लेंगे ना तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। जान ना पहचान, हम काहे लेंगे सेल्फी। यहाँ दिखाया गया है उसकी बेटी को, एम्प्लॉय से ज्यादा पता है ज़गैटो ऐप का। न्यू जनरेशन भाई जान, न्यू जनरेशन। और अब मानस का टारगेट है एक दिन में 10 डिलीवरी करके ज्यादा पैसे कमाने का। आप भी समझदार हैं, एक बंदा डिलीवरी करके पैसे कितने भी कमा सकता है। और फिर आता है यू टर्न, जब एकदम से मानस की रेटिंग गिर जाती है, जैसे कि मेरा चैनल। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा रेटिंग एकदम से डाउन हो गया है। आपको पता है आप कितने लकी हो, टाइम पे पैसा, आपकी मर्जी की शिफ्ट, पर आप लोगों की तो आदत ही बस कंप्लेंट करनी है। आदत तो बस चुप रहने का है मैडम। और इससे हमें देखने को मिलेगा कि बिहाइंड द सीन कैसे ये एप्स काम करती हैं और इन डिलीवरी मैन्स पर कैसे असर पड़ता है। उसके अलावा एक मिडिल क्लास फैमिली की बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रगल और काम, और पैसे कम आने पर उनकी आगे की जर्नी कैसी होगी वो भी देखने को मिलेगी। कपिल शर्मा की पास्ट मूवीज को देखो तो कुछ देखने लायक है नहीं, अगर पिछली मूवीज को देखो तो क्या ऑडियंस इसकी मूवी को देखेगी। यहाँ पर एक आम आदमी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ तक इसकी बीवी भी लोगों के घरों में जाकर काम करती है। इवन द ट्रेलर लुक्स एवरेज, बट द स्टोरी इम्पैक्टफुल हो सकती है, और स्टोरी के साथ मैटर करता है उसका प्रेजेंटेशन और उसका स्क्रीन प्ले, जिसमें हम थोड़ा सा भरोसा नंदिता दास पर कर ही सकते हैं। ट्रेलर में जितना देखा उससे सबकी परफॉर्मेंस से उम्मीदें तो हैं, और वहीं पर स्टोरी को 2 घंटों में पुल ऑफ करना कपिल शर्मा के लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट।